गाइस वेलकम एवरीवन टू माय गेमिंग चैनल जिसका नाम है ब्यूवुल्फ इज लाइव। आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक स्पेशल वीडियो है। ये एक ऐसा गेम है स्टीम पे जो अब तक फेमस हुआ भी नहीं है और इन फ्यूचर ये ज़रूर फेमस होगा। इस गेम का नाम है स्कैवेंजर्स और ये फ्री टू प्ले है स्टीम पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है गूगल पे और फिर आपको स्कैवेंजर गेम, ये देखिए इधर मैंने सर्च करके रखा है पहले से ही, इसको क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपको पहला वाला है, ठीक है। अबाउट दिस गेम देखिए, ये है गेम स्ट्रेटेजिक शूटर फ्री टू प्ले, देखो फ्री टू प्ले है। वेयर प्लेयर्स स्क्वाड्स ऑफ थ्री एंड फाइट फॉर सर्वाइवल एंड डोमिनियंस इन अ हाइब्रिड ऑफ सैंडबॉक्स स्टाइल पीवी एंड क्लासिक बेस पीवीपी। तो पर्सन वर्सेस एनवायरनमेंट और पर्सन वर्सेस पर्सन, ये दो टाइप का गेम है। ओपन वर्ल्ड जैसा गेम है ये, सर्वाइवल स्ट्रेटेजिक शूटर तीन लोगों का, जैसे सेम एपेक्स लेजेंड जैसा है ये, ठीक है। तो अभी आपको इधर क्लिक करना है। आपके पास अगर स्टीम का अकाउंट नहीं है तो पहले आपको स्टीम का बता रहा हूँ मैं, स्टीम का अकाउंट अगर नहीं है तो स्टीम इधर इंस्टॉल दिखा रहा है, इधर इंस्टॉल आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो इंस्टॉल स्टीम कर लेना, जो आपको लोकेशन बताएगा वो सब ओपन करने के बाद, लोकेशन जहाँ पर भी बताएगा वो सब लोकेशन वोकेशन जो भी है सब कुछ कर लेना फटाफट, ठीक है। उसके बाद अभी आपको बाद में जैसे आप लोग स्टीम पूरा इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद स्टीम खोलना है आपको। एक बार स्टीम इंस्टॉल आपका हो गया तो आपको अपना, अगर आईडी नहीं है तो भाई आप लोग आईडी साइन इन कर सकते हो या कुछ भी कर, जो आपका आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे अकाउंट आप लोग क्रिएट करोगे तो आपको आपका पासवर्ड और ये सब डालना है, ठीक है। लॉग इन करना है अपने अकाउंट को। एक बार लॉग इन कर लिया तो आपको जाना है सर्च पे इधर और टाइप करना है स्कैवेंजर्स। देखो इधर फ्री टू प्ले है, ठीक है। ये है वो गेम स्कैवेंजर और आपको प्ले नाउ पे क्लिक करना है। इधर भी है, इसके रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ आपको, मिनिमम कितना लगता है। मिनिमम देखिए इधर, अभी तक मैक्सिमम आया ही नहीं है, अभी तक मिनिमम ही है क्योंकि अब तक ये गेम अभी प्रोसेस में गाइस, तो अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ है, आगे जाके ज़रूर होगा ये। जब हम जैसे लोग खेलेंगे तभी तो फेमस होगा ना, हम लोग कुछ खेलते नहीं और दूसरा गेम। तो इसको आप मिनिमम आप बता दो, विंडोज 10 है, कोर i5 6500 और इक्विवेलेंट, 8GB रैम है इसका मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड देखिए GTX 760 AMD Radeon R9 380, ठीक है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो अच्छा खासा चाहिए आपको, और इसका स्टोरेज है 15GB अवेलेबल स्पेस चाहिए आपके PC पे या लैपटॉप में जो भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं प्ले गेम। ये पूरा इंस्टॉलेशन दिखाएगा कहाँ पर इंस्टॉल करना है आपको। जैसे आपका इंस्टॉलेशन जो भी सिलेक्ट करना है आपको, जो भी जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, मेरा तो F में है स्टीम तो मैं F में इसको इंस्टॉल करूँगा। ओके, डोंट शो दिस मैसेज अगेन, चाहे तो वो आपको टिक मार्क करना करो वरना ये ऐसे फिनिश करके दिखाएगा। इधर देखिए, इधर दिखा रहा हूँ मैं, इधर 10GB का गेम है। जब ये स्टार्ट है मुझे याद था, मुझे लगता है जब ये स्टार्ट में आया था तो 5-6GB का गेम था ये, आज जस्ट 10GB का, क्योंकि इसका नया अपडेट आने के बाद पहले बहुत लैग करता था। मैं पहले भी खेल चुका हूँ, इसका वीडियो बनाने वाला था पर पहले इतना लैग करता था ये, मतलब एशिया के लिए मतलब सही से पिंग नहीं देता था सर्वर इसका, तो बहुत लैग करता था ये गेम। तो आज जाके मतलब ये थोड़ा अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं फालतू में क्यों आपको बताऊँ। आप लोग इंस्टॉल करके यार बाद में सही से पिंग नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और उतना दिमाग भी ख़राब हो जाएगा आपका, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो अभी ये 10GB का गेम है, 10 मिनट में हो जाएगा। जैसे 10 मिनट में हो जाएगा ये गेम तभी मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा गेम में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है, और कैसे खेला जाता है गेम को। तो 10 मिनट हम लोग वेट करते हैं
और मिलता हूँ आप लोगों से आफ्टर गेम इंस्टॉलेशन। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा है कि हमारा गेम इंस्टॉल हो चुका है, और अगर आपको इस गेम के बारे में और जानना है तो आपको इधर बस क्लिक करना है इसको, और फिर इधर देखिए आप स्टोर के मेन पेज पे आओगे, स्टोर बोल रहा हूँ यार, गेम के मेन पेज पे आओगे और फिर आपको इधर सब कुछ मिलेगा। जैसे कि न्यूज़ देखो, आज का न्यूज़ टुडेज न्यूज़ है फ्री बैटल पास एंड ब्रांड न्यू होर्ड मोड। तो ये लोग बैटल पास फ्री दे रहे हैं फिलहाल के लिए। और ड्रंक द देव्स क्या क्या है पता नहीं, जो जो अपडेट है ना आपको इधर देखते मिलने जाएगा, मतलब जो भी अपडेट आएगा नया इस गेम का आपको इधर देखने मिलेगा। ये बोलने की कोशिश कर रहा था मैं कुछ और ही बोल दिया। और एक गाइस पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस गेम आपको एक ही काम करना है यार, इतना मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपको ये पेज पे जाना है। अगर मेरा आपको ये पेज पता नहीं है तो आप लोग ब्यूल फिज लाइव टाइप करोगे ना तो आपको दिखाता हूँ यार, एक ही को मेरा गेम पेज मिलता भी नहीं है। आप ब्यूल फिज लाइव टाइप करोगे, कहाँ गया मम्मी कहाँ गया। ब्यूल फिज लाइव टाइप करोगे गाइस देखना इधर, इधर ब्यूल फिज लाइव, इधर दो आता है ब्यूल फिज लाइव और ब्यूल फिज लाइव, तो आपको इधर टाइप करना है, टाइप करना बोल रहा, क्लिक करना है, क्लिक करने का आपको ये मेरे डायरेक्ट पेज पे लेके आएगा, इसको क्लिक कीजिए आप। और इधर सब्सक्राइब का बटन होगा, तो गाइस प्लीज़ 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 सपोर्ट करना अपने भाई को सपोर्ट कीजिए गाइस, कम ऑन गाइस, इतना तो कर सकते मेरे लिए। तो चलो गाइस फिर से गेम की तरफ बढ़ता हूँ मैं, और इसको मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं ठीक है, जो भी है प्रोसेस जो भी आएगा उसके यस कर दो। एंटी चीट गाइस, ये इजी एंटी चीट को डिजेबल मत करना कभी भी, अगर चीटिंग करते पकड़े गए स्टीम का अकाउंट पूरा बैन होता है, गेम का अकाउंट नहीं बैन होगा ठीक है, पूरा स्टीम का अकाउंट बैन होता है, अलाउ एक्सेस कर देना। ये देखिए स्कैवेंजर्स, वाह 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 भाई, इंट्रो पेज ही देखा उसका कितना बढ़िया था, मस्त था छोटा सा। तो गेम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, थोड़ा टाइम तो लेगा गाइस स्टार्ट होने के लिए, पता नहीं इतना टाइम नहीं लेना चाहिए पर इतना टाइम क्यों ले रहा है। ओके हो गया हो गया, 200 के FPS दिखा रही है। और क्या है, पावर्ड बाय IMS अनरियल इंजन का गेम है ये। अच्छा, फोटो सेंसिटिविटी वार्निंग, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल में एक्सपीरियंस जो जो है सिम्टम्स फ्लैश लाइट्स। अच्छा, जो विजुअल्स है वो उसके बारे में, ठीक है। अर्ली एक्सेस, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, आप सुनाई दे रहे हैं, अर्ली एक्सेस है गाइस, अभी तक अर्ली एक्सेस में ही है गेम। थैंक्स फॉर प्लेइंग स्कैवेंजर्स, फीडबैक दीजिए आप, जाके उनके पेज पे जाके ऑफिशियल जाके फीडबैक दे सकते हो। क्विट क्यों भाई, कंटिन्यू करना है हमें। ओके तो ये गेम है ठीक है, मैं पहला खेल चुका हूँ बाय द वे, पर मैंने बताया आपको कि अपना ये क्या बोलते हैं कि लैग के वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं लाया आज, पता नहीं मैंने मतलब मैंने बना दिया वीडियो, मैंने बहुत सारे अपडेट्स देखे इसके और मुझे लगता अभी लैग नहीं होना चाहिए ठीक है। तो आप लोग इधर होम पे जा सकते हो, तो इसका कम्युनिटी पेज आएगा आपको, इधर जाके आपको जो भी है उसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए आप उनका। अगर आपको कोई बग रिपोर्ट जो भी हो आप लोग इधर जाके उनको रिपोर्ट कर सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई बैक देंगे। प्ले पे आओगे तो आपको इधर ये मोड से दिखिए, फर्स्ट मिशन ठीक है, सोलो ट्रेनिंग है, तो आपको पहले यही खेलने मिलेगा भाई, तो फर्स्ट मिशन ही खेलने मिलेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट मिशन ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा गेम है ये, क्या क्या है, मैं भी भूल चुका हूँ थोड़ा, मैं भी खेलता हूँ। लुक अराउंड बोल रहा है, WSD अपना वॉक के लिए। That was rhetorical.
You are the lucky one. Your squad mates did not survive. You'd best arm yourself. Search for a weapon. मत दे, क्या था वो? डर गया मैं एक सेकंड में, कौन सा आवाज आ गया गाइस। ये बाय द वे ये सोलो प्लेयर मतलब सिंगल प्लेयर गेम खेल मतलब ये कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें एफपीएस का पता नहीं चलेगा, इसमें स्मूथ तो दिख ही रहा है। इन गेम जब मैं ऑनलाइन खेलूँगा एक गेम, तभी आपको मैं ई दबाने के बाद आपको ये गन मिलेगा, ठीक है। कैमोज भी देखे इधर 25 राइट हैंड साइड पर दिखा रहा है, 25 एमोज इसके। और मैगजीन है हमारे पास एक्स्ट्रा 120 के, तो अभी इसका भी कर रहे हैं पिंग। आप पिंग करोगे तो आपको टीममेट्स के लिए ऐसा मार्क आएगा ऊपर, ठीक है। तो आपके टीममेट्स आके इधर गन उठा सकते हैं, टेक दोनों सेम। अरे अच्छा द मेडिकेट इज नियर बाय, अच्छा उधर मार्क दिखा रहा है तो उधर मेडिकेट होगा। शिफ्ट एक बार प्रेस करोगे ना गाइस, आपने अरे अपने भाग रही थी। अच्छा कंट्रोल पे बैठ जाती है नीचे। ओके नया गन मिला कुछ, तो इसको ले लो। ओह बढ़िया यार गन्स, ठीक है मेडिकिट ले लिया मैंने, अब क्या करना है। होल्ड एफ, अच्छा होल्ड एफ करने के बाद गाइस ऐसे छोटा व्हील मिलेगा आपको, क्विक एक्सेस एक्सेसेबल व्हील बोलते हैं इसको। जैसे फटाफट आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे कि टैब नहीं इन्वेंट्री में जाके ऐसे नहीं, एफ होल्ड कीजिए आप, छोटा सा ये व्हील आएगा, फटाफट आप लोग मेडिक वेडिक जो भी है यूज़ कर सकते हो। ई होल्ड करना, पता नहीं है क्या क्या था ये एमो था क्या। हाँ ठीक है जाता हूँ, मेरे बाप उधर जाता हूँ। अच्छा अंदर कोई तो है, कोई तो है अंदर की तरफ, देखते हैं कौन है। ओ आ जाओ भाई, आई गो अकला फूट गया उसका, बहुत गंदा। हट साले ऐसे मत आया करो यार, बोल क्या आया करो। वो है नहीं चाहिए यार, वो नहीं चाहिए। क्या स्टैमिना आपके लिए फूड चाहिए गाइस, बहुत ही बढ़िया गेम दिख रहा है ये तो। ओके तो नीचे जो हमारा येलो बार है वो देखो स्टेमिना बार है, लेफ्ट हैंड साइड के कैरेक्टर के इधर वो येलो का बार है ना, वो स्टेमिना बार है। और वो इतना छोटा सा क्यों है यार ये कौन। अच्छा ये फ्लैश लाइट अपने आप चालू हो गया क्या, ये क्या कर रही है। अच्छा मैंने एफ दबाया तो उसने हील कर लिया अपने आप को, ठीक है। अभी हम लोग अच्छा फूड जेड फॉर पिंग, अच्छा ऐसा पिंग है, पिंग निकाल भी सकते हैं आप लोग। फूड कलेक्ट कर रही है ये, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, इतना सारा उठा लो, जितना सारा माल पड़ रहा है उठा लो। माल छोड़ना मत कभी जिंदगी में, कभी माल कभी नहीं छोड़ना। अभी चलो फूड खाने के लिए बोला था उसने, तो एफ दबा रहा हूँ मैं। अपना पबजी ऐसा ही गाइस, देखो आल्ट दबा के आप लोग इधर उधर देख सकते हैं, आल्ट होल्ड करके। जो लोग एमुलेटर पे खेलते हैं ना तो उनको ये गेम पता चल जाएगा, आल्ट दबा के आप लोग अपना कैरेक्टर देख सकते हो, आजू बाजू देख सकते हो। ये क्या है भाई, उठा लो जो भी है उठा लो माल, ठीक है। अच्छा तो हमारा स्टेमिना बार देखो गाइस, वो आधा था, इसको खाने के बाद वो फूड खाने के बाद फुल हो गया, मतलब आपको अरे बाप रे बहुत लोचा है गाइस, मतलब आप जैसे मतलब ये मुझे लगता है कम होते जाएगा स्टेमिना बार। लॉकिंग 11 सेकंड, ओके ठीक है मेरी माँ। अरे बाप रे क्या क्या माल मिला, ये क्या, अबे अबे अरे बाप रे, गो टू बाप रे गाइस। ओके शेल्टर में हूँ मैं अब, क्या था ये एक मिनट, बाप रे उठा लो भाई मेडिकेट, मतलब मैं अगर बाहर जा, अच्छा बाहर जाने के बाद बाप रे ये। ओके तो ये स्टॉर्म है,
Storms extinguish all fires. ये उठा क्यों नहीं रही? फूल है क्या मेरा? ठीक है, देखो स्टैमिना आप लोग चेक कर रहे हो उधर, थोड़ा देखो अभी उतना भरेगा नहीं, तभी आपको फिर से फूड कंज्यूम कर। अच्छा ओके, तो अच्छा क्राफ्टिंग पे आप क्लिक करोगे तो ये जो वेपन है आपको क्राफ्ट, मतलब आपको मिलेगा ये, ठीक है? तो आप लोग क्राफ्टिंग इनिशिएटेड। क्राफ्टिंग टेक्स टाइम, द मोर कॉम्प्लेक्स द आइटम द लॉन्गर इट टेक्स। आपको सीधा बनाना है, ठीक है? अगर आपको वो सारे जो पार्ट्स मैंने कलेक्ट किए ना अभी, उसके इससे आपको मुझे लगता है कैरेक्टर का जो भी स्पेशलिटी वेपन है इसका, गाइज ऐसा ही है, जो जो कैरेक्टर आप लोग खेलोगे उसका एक स्पेशल वेपन होगा। जैसे कि इसका स्पेशल वेपन है शॉटगन, ठीक है? बाप रे, हाँ ठीक है, इसका शॉटगन है स्पेशल वेपन। वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, उसके अलग अलग वेपन्स रहेंगे उनके, तो इसका शॉटगन है स्पेशल वेपन। तो हम लोग इसका शॉटगन वेपन क्राफ्ट कर चुके हैं, मैक्स टायर बोल रहा है रिच, तो सी दबाना है आपको, याद रखना सी दबाना है। और एक गाइज, और एक बता रहा हूँ, ये जो आग के इधर आके मैं रुका हूँ ना, ये पागल जैसे, मतलब कोई शेकोटी लेने के लिए या गर्म करने के लिए खुद को ले आके नहीं रुका उधर मैं, ठीक है? तो इधर नीचे आप स्टेमिना के बार के नीचे एक बार देख रहे हो जो ब्लू कलर का है, तो ये आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का है ये। जैसे कि देखो मैं अभी जा रहा हूँ तो ये कम होते जाएगा, तो आपको जब भी कभी आग दिखेगी कहीं पर भी तो जाके अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा फुल रखना। मुझे लगता है बॉडी टेम्परेचर डाउन होने के बाद आपका हेल्थ भी जा सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना सबसे मेन चीज़ है गाइस। बहुत बढ़िया गेम है, अगर आप लोग खेलोगे ना, बस इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको फटाफट समझ में आए। ओके, तो बोल रहा है कि यू कैन यूज स्लाइड फॉर क्विक, ये देखिए। ओ वाह 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 भाई, ये कौन है? हेलो बाय। ओके अरे ओए, शॉटगन यूज करके देखते हैं इसका स्पेशल वेपन है। अरे अरे साले हट निकल। ओके, तो हमारा क्या था इधर? कुछ नहीं है, जाना किधर है? इधर से हम लोग आ गए, शेकोटी ले लिए, एमोस पड़ा, देखो शॉटगन का एमोस पड़ा था उसमें, दिखा देखो आपको, ये दिखाता है मार्कर्स कौन से एमोस पड़े, मतलब गिरा हुआ है, पड़े नहीं गिरा हुआ है, सॉरी गाइस पड़े हुए हैं, कौन से एमोस गिरा हुआ है ना आपको मार्कर दिखाएगा उसका। अरे यार मुझे वो सी दबाने की आदत है यार, कंट्रोल की आदत जा चुकी है हम लोग यार, वो जब से पबजी मोबाइल एमुलेटर पे खेल रहे हैं और BGMI खेल रहे तब से सी दबाने की आदत हो चुकी है। अच्छा, तो उधर जाने के लिए बोल रहा है, देखो लोकेट द कलेक्ट, लोकेट एंड कलेक्ट डेटा या डाटा जो भी है। ओके, तो आप कंट्रोल दबाते गाइस ऐसे ये करेगी योर स्टैमिना। अच्छा स्टैमिना पूरा ड्रेन हो चुका है मेरा, देखो हाफ रही है। रेस्ट या खाना खा लो बोल के, खाना खाने के बाद देखते क्या होता है। अच्छा खाना खाने के बाद स्टैमिना फटाफट बढ़ रहा है क्या? वैसा कुछ तो दिख रहा है मुझे। देखो गाइस, जैसे कि मैं, आप लोग इधर देखते हो तो अपने आप फ्लैश लाइट चालू होता है क्या? हमेशा चालू ही रहता है यार इसका फ्लैश लाइट, कहाँ पर है इसका फ्लैश लाइट? कौन है? अपने आप स्टार्ट हो गया गाइस, अपने आप होता है। अच्छा ये वापस पार्ट्स वही है गाइस, नहीं इधर नहीं है, दिखाएगा आपको अगर आपको जो सर्च करना है सब कुछ दिखाएगा, इधर तो कोई भी नहीं है। ये देखो शेकोटी लेते थोड़ा, देखो आग के पास जाओ, नीचे का बार हमेशा फुल रखना। बाप रे हड्डियाँ वड्डियाँ लगाए देखो मस्त। अभी ये देखो इधर क्या है पता नहीं, लोकेट कर लिया मैंने। नीचे लेवल अप है गाइस, देखो आपके कैरेक्टर के इधर दो लेवल दिख रहे हैं नीचे, और उसके बाद में वो जो 975 वो स्क्रैप है जो हमने मतलब यूज किया था इसको एक्सट्रैक्ट। ओके ओके, तो क्यों दबाने के बाद इसका स्पेशल एबिलिटी गाइस ये देखिए,
कोई भी मारेगा आपको उतने सेकंड के लिए। अच्छा चला गया, ओके रुको एक मिनट गाइस, इसको मैं फटाफट खत्म कर देता हूँ। अरे बाप रे, चल निकल, डेटा जो भी है गाइस, पता नहीं ये डेटा Time to bring it home. तो हमने डेटा जितना था वो कलेक्ट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अबे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हम लोग को वो ड्रॉपशिप के पास जाना है। बाप रे क्या है, शिप है ये, मरेगी नहीं ना, देखते चलो। नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, मरेगी नहीं। अरे ये तो एपेक्स जैसा ही है यार, लिटरली एपेक्स लेजेंड जैसा ही है ये। ये देखो कोई तो गार्ड कर रहा है शिप को, इसको देता हूँ, देखो अटैक। बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आया मुझे। अनसील द डोर्स, ओके तो हमें डोर अनसील करना है। बाप रे 13 सेकंड्स गाइस, ये ड्रॉपशिप है भाई, ये ड्रॉपशिप ये जब काम आएगा पता है आपको, जब आपको ये जब पता नहीं मुझे भी एग्जैक्टली, पर ये ड्रॉपशिप आएगा तो आपको इधर से निकलना है और आप लोग इसी मैप में अटक के मर जाओगे। आपको निकलना है फोर, देखो three, जैसे आप लोग अंदर आते हो चालू होता है। और ये हो चुका है हम लोग सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं हम लोग सक्सेसफुल। ये था हमारा सोलो मतलब ट्रेनिंग मोड, ठीक है। मेरी माँ कितना बात करेगी। तो गाइज ये था फर्स्ट मिशन, जब भी आप लोग गेम नया इंस्टॉल करोगे आपको ये खेलना ही होगा, नहीं तो अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने पता है कि भाई क्या क्या होने वाला है तो आप लोग डायरेक्ट एग्जिट करो, कोई खेलने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। ये डेली चैलेंज है, डेली मिशंस अपना आरपी जैसा पबजी का। इधर ये नया मोड आया है, मैंने मतलब देखा पढ़ा था, होड मोड करके कुछ तो नया आया है, ठीक है। इसमें बस प्लेयर्स ऐसे जैसे मैंने अभी जो मारा ना प्लेयर्स वैसे नहीं रहते, इधर ऐसे कीड़े भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े जो दिख रहे ना अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत पता नहीं अभी। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट मिशन गेम प्ले, ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब जैसे देखा कि मतलब फर्स्ट मिशन में जो जो बताते आपको पूरा डिटेल बताते कि आपको करना क्या है गेम के अंदर, तो आप लोग चाहे तो खेल सकते हो। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो फिर डायरेक्ट आप लोग क्लोज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि खेलना ज़रूरी है। और इसकी गेम प्ले की वीडियो गाइस, इसके गेम प्ले की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो और एक मैं डालूंगा, इसमें बस गेम प्ले दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या करना है, कैसे मारना है, क्या करना है, मुझे भी नहीं पता। मैं अभी खेल के आपको अच्छे से गेम प्ले इसका बना के मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा इसके बारे में। और अगर आपको मेरा इस मतलब इस गेम का मुझे आप लोग देखना चाहते हो कि लाइव खेलते हुए, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता देना गाइस, कोई बड़ी बात नहीं इतना। तो ठीक है गाइस, यही था स्कैवेंजर, बहुत ही अच्छा गेम है गाइस, आप लोग अर्ली एक्सेस में फ्री टू प्ले, इसका मज़ा लूटिए जब तक फ्री टू प्ले है। पता नहीं आगे जाके अगर पेड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, पर जो जो पहले से रजिस्टर करके फ्री टू प्ले खेल रहे मुझे लगता है उनको ये रजिस्टर जो जो किया है उनको मुझे लगता है पेड पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, तो एटलीस्ट रजिस्टर तो करके रखना, ठीक है, उतना तो करके रख सकते हैं आप लोग। और क्या बताऊँ इस गेम के बारे में, बस आपको सब कुछ बता दिया मैंने। एक्सप्लोरर रिसर्च सीजन देखिए, क्लेम जो क्लेम नहीं किया था मैंने, अरे हट कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, सब आपको पता नहीं क्या क्या है, ये इमोट विमोट है जो भी है। तो यही था हमारा स्कैवेंजर का हाउ टू इंस्टॉल और कैसे मतलब कंट्रोल्स मैंने आप तक बताया, थोड़े बहुत कंट्रोल्स मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल है हमारे WSD स्पेस बार कंट्रोल से आप लोग नीचे बैठ सकते हो, इसमें सोता नहीं है प्लेयर, पहले बता रहा हूँ, जैसे प्रोन होता है वैसे प्रोन होता नहीं है इसमें।
सी दबाने के आपको अपग्रेड से जो भी वो दिखेंगे, और गेम प्ले का वीडियो मैं ज़रूर जल्दी लाता हूँ, मैं जितना हो सके उतना मैं जल्दी गेम प्ले का वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है गाइज, यही था हमारा स्कैवेंजर का पूरा गेम प्ले, और हाउ टू इंस्टॉल आपने देख चुके हैं, आप लोग कैसे इंस्टॉल करना है आपको पता ही है प्रोसीजर, अगर नहीं पता तो आप लोग फिर से देखिए मेरा वीडियो। और गाइज नया हूँ मैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करके अपने फ्रेंड्स को बताओ कि भाई एक नया यूट्यूबर आया है ऐसे ऐसे नाम का, ब्यूल फीस लाइव नाम का, और उसको प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना, प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके सामने प्लीज़। और चलो गाइस फिर ठीक है, बस और क्या बोलूँ मैं, यही था हमारा स्कैवेंजर्स का हाउ टू इंस्टॉल और छोटा सा गेम प्ले। इसका बड़ा गेम प्ले मैं और एक वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा इसका गेम प्ले का वीडियो, और जैसे बनाऊंगा मैं आप लोग मुझे फॉलो करोगे और बेल आइकन दबाओगे तो आपको ज़रूर हर वीडियो का अपडेट आपको मिलते जाएगा। तो ठीक है गाइज, टाटा बाय बाय, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, गेम प्ले का वीडियो में ज़रूर लाऊंगा इसका, तो मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर गाइज, और स्टे सेफ गाइज़।